अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कबीर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कितना एक्सपेंस आया जब मैंने दुबई से अजरबैजान के लिए ट्रैवल किया। ये मेरा तकरीबन 4 दिन का ये मेरा ट्रिप था और इस ट्रिप में मैंने ऑलमोस्ट 20 places को विज़िट किया अजरबैजान में। अजरबैजान एक ब्यूटीफुल कंट्री है। सबसे पहले तो बता देता हूँ उसके वीज़े के अबाउट। वो पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए ऑन अराइवल है। उसका ई वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हो उनकी वेबसाइट के थ्रू। $25 आपको पे करने हैं ऑनलाइन। आपको दो या तीन दिन में वीज़ा मिल जाएगा। उसमें सिर्फ आपको अपना नेम और उसके अलावा पासपोर्ट नंबर, थोड़ी सी डिटेल आपको फिल करनी है और आपको 3 दिन में वीज़ा मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टिकट बुक करो और सीधा एयरपोर्ट पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। 2 से 3 मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पे। आप $25 पे करोगे और आपको 2 से 3 मिनट में वीज़ा मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर आप पहले ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जस्ट टिकट बुक करो और सीधा वहाँ पे मशीन लगी हुई है, मशीन से वीज़ा अप्लाई करो। तकरीबन 2 से 3 मिनट में आपको मिल जाएगा। विज एयरलाइन जाती है। विज एयरलाइन के अबाउट आपको पता ही होगा पहले से। मुझे ये जो विज एयरलाइन की टिकट पड़ी उस टाइम पे 400 दिरहम की रिटर्न टिकट मुझे ये पड़ी, 408 दिरहम की रिटर्न टिकट मुझे ये पड़ी। और उसके अलावा फिर मैंने शटर सर्विस जो चलती है, क्या नाम है, विज एयरलाइन की बोल दो या फिर जो दुबई से अबू धाबी के लिए जाती है, उसकी टिकट की प्राइस है 35 दिरहम। इसके अलावा मेरा एक्सपेंस हुआ फ्लाइट के अंदर, क्योंकि विज एयरलाइन में फूड वगैरह इंक्लूडेड नहीं होता और वो जो फ्लाइट है वो कंफर्टेबल नहीं होती। सीटें बिल्कुल साथ-साथ लगी होती हैं, इस वजह से आप 2 से 3 घंटे फुली अनकंफर्टेबल जाओगे। लेकिन ये है कि फ्लाइट जो है वो चीप है, उसमें आपको कोई फूड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप बाय कर सकते हो। आपको भूख लगी है उस टाइम पे, वहाँ पे वो सेल करते हैं बेसिकली, तो आप कुछ भी ले सकते हो। उनके जो फ्लाफल वगैरह या फिर पानी या फिर कॉफ़ी टी आपको मिलेगा, वो आके बोलेगा। आपको बाय कैश पे नहीं करना, आपको बाय कार्ड पे करना है। कार्ड चलता है, कैश वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया था एक फ्लाफल जो कि आप कह लो कि मुझे पड़ा 44 दिरहम का। काफ़ी एक्सपेंसिव था, बाहर से ट्राई करता तो 10 दिरहम का मुझे मिल जाता, लेकिन वहाँ पे मुझे पड़ा 44 दिरहम का, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मुझे वहाँ पे लेना पड़ा, मुझे फ्लाफिल लेना पड़ा। उसके बाद बाकू की जो जो प्लेसेस मैंने विज़िट की है, मैं आपको बताता हूँ उनकी टिकट की प्राइस क्या है। और साथ ही जो बोल्ट वहाँ पे चलती है, ट्रांसपोर्ट ऊबर की तरह, क्योंकि मैंने बोल्ट ही यूज़ की थी, ऊबर यूज़ नहीं की थी वहाँ पे, बोल्ट बहुत ही चीप है वहाँ पे। तो टोटल कॉस्ट मुझे 4 दिन की कितनी पड़ी, होटल की कितनी प्राइस पड़ी, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। बाकू आई जो कि एक उनका फेरिस व्हील है, वहाँ पे विज़िट किया था। उसकी टिकट की प्राइस थी 10 मन्नात, सिर्फ और सिर्फ 10 मन्नात जो मैंने पे किए थे। उसके अलावा मैंने कुछ फूड ट्राई किया था बाकू का, डेनिस मॉल के अंदर एक पिज़्ज़ा टाइप था, वो लोकल फूड था। उसके बने थे 15 मन्नात। एंड फिर एक मेडन टावर पे मैंने विज़िट किया था, बहुत ही खूबसूरत टावर था वो और काफ़ी पुराना टावर था। उसकी टिकट की प्राइस थी 50 मन्नात। शेवनशाह पैलेस, इसकी टिकट की प्राइस थी 50 मन्नात, इसकी भी 50 मन्नात थी। उसके अलावा कारपेट म्यूज़ियम जो वहाँ पे बहुत मशहूर है, थोड़ा सा बोरिंग है अंदर से, क्योंकि वो कारपेट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कारपेट मिलेंगे। क्योंकि अगर आप अजरबैजान की हिस्ट्री को देखोगे तो कारपेट बनाते थे ये लोग पहले और इसको सेल किया करते थे, तो कारपेट देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा बोर हो गया था जब मैंने वो व्लॉग शूट किया था कारपेट म्यूज़ियम का, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो व्लॉग भी आप देख सकते हो। कारपेट म्यूज़ियम के अलावा हैदर अलीफ सेंटर जो वहाँ की मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे मैंने विज़िट किया था। उसके बने थे 50 मन्नात, उसके भी 50 मन्नात बने थे। फिर एक मिलिट्री ट्रूप्स पार्क था, उसके बने थे 10 मन्नात। तो ये कुछ डेस्टिनेशन थी अजरबैजान के अंदर जिनकी टिकट मैंने बाय की थी, और कुछ ऐसी डेस्टिनेशन थी जो कि जिनकी टिकट नहीं थी, विदाउट टिकट मैं गया था, बट बोल्ट पे मैं गया था। टोटल जो मैंने वहाँ पे फूड और कॉफ़ी का मिला के 4 दिन के अंदर जो मैंने वहाँ पे एक्सपेंस किया, टोटल 65 मन्नात काफ़ी होते। क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक डोनर भी खाओ, डोनर काफ़ी मशहूर है, जिस तरह है दुबई में शॉर्मा वगैरह चलता है वहाँ पे डोनर काफ़ी मशहूर है, एक डोनर भी तकरीबन 2 मन्नात का मिलता है सिर्फ और सिर्फ, तो आपका पेट फुल हो जाता, पूरे दिन के लिए काफ़ी है वो। बट फिर भी 65 मन्नात
टोटल मैंने फूड एंड कॉफ़ी पे स्पेंड किया था वहाँ पे जब मैं अजरबैजान में था। और जो बोल्ट मैंने यूज़ की थी 4 दिन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करने के लिए, जैसे कि शहंशाह पैलेस को, हैदर अली सेंटर को, उसके अलावा और भी बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ बोल्ट ही यूज़ की है। लोकल ट्रांसपोर्ट इनकी मैंने यूज़ नहीं की और ना ही मैंने मेट्रो यूज़ की, क्योंकि बोल्ट ही इतनी चीप पड़ रही थी तो मैं टाइम को थोड़ा सा बचा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मैं कवर कर सकूँ एक दिन के अंदर, जो मेरा टारगेट था यूजली पांच जगहों पे जाने का, मतलब कि 5 places को विज़िट करने का मेरा टारगेट रहता है कि एक दिन में एटलीस्ट मैं 4 to 5 places को विज़िट कर लूँ। तो मैंने अजरबैजान में एक दिन में 5 जगहें घूमी हैं, और इसके अलावा जिसमें मैंने बोल्ट टैक्सी को पे किया 35 मनात टोटल। सिम बाई की थी मैंने एयरपोर्ट से, वो 32 मनात की मुझे पड़ी थी, बीच में उसमें फ्री कॉलिंग भी थी एंड कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग भी थी एंड इंटरनेट था। तो ये एक्सपेंस मैंने किया है। फिर होटल की तरफ मैं आता हूँ। होटल एक मैंने बुक किया था 2 दिन के लिए, उसकी कंडीशन कुछ खास नहीं थी, मैं सेटिस्फाई नहीं था उस होटल को लेके बट लेकिन वो होटल जिस जगह पर था ना उसके आसपास ही प्लेसेस थे जहाँ पे मैंने विज़िट करना था, तो मैंने वो होटल चेकआउट नहीं किया। 2 दिन मैंने पूरे वहाँ पे स्पेंड किए, 120 मनात मैंने वहाँ पे उस होटल में पे किए, और उसके बाद फिर मैंने 2 दिन के लिए एक और होटल बुक किया, उसमें मैंने 110 मनात मैंने पे किए। ये टोटल एक्सपेंस की मैं बात करूँ धीरम में, मैं बात करता हूँ तकरीबन 1,442 धीरम ये कॉस्ट आई मुझे, इंक्लूडिंग रिटर्न टिकट, फूड एंड जो म्यूज़ियम वगैरह थे उनके टिकट्स वगैरह और ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मिला के। कुछ सवीनियर्स भी मैंने बाई किए थे बट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आई थिंक 2 से 3 सवीनियर्स मैंने बाई किए थे। तो टोटल मुझे कॉस्ट जो पड़ी वो 1,442 पड़ी। तो आई थिंक इस कॉस्ट में अगर आप इससे आप कम भी कर सकते हो, अगर और मज़ीद आप 2 दिन का ट्रिप प्लान करते हो तो आपकी प्राइस और कम हो जाएगी, 800 दिरहम में, 600-700 दिरहम में भी आप इसको विज़िट कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 15 से 20 प्लेसेस मैंने विज़िट किए, टोटल 20 प्लेसेस मैंने विज़िट किए हैं। तो ये उनका एक्सपेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कम से कम 5-6 भी करते हो, फॉर एग्जांपल मेन जगहों पे आप जाते हो, तो उस पर कम ही एक्सपेंस आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये मेरा टोटल एक्सपेंस जो कि अजरबैजान का आया। अजरबैजान का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वहाँ के लोग बहुत नाइस हैं, बहुत प्यार देने वाले लोग हैं। जब आप बताते हो कि आप पाकिस्तान से हो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लैंग्वेज का इशू है, एक्चुअली लैंग्वेज का इशू तो हर जगह भी होता है, बट ये कि गूगल ट्रांसलेट मैंने यूज़ किया, अगर मुझे उनसे कुछ पूछना होता था तो मैं ट्रांसलेट कर लेता था, और उन्हें कुछ मुझे कुछ बोलना होता तब भी मैं उनके सामने रख देता था मोबाइल के, वो कुछ बोल लें और मैं फिर इंग्लिश में उसको समझ लूँ। ऑलराइट गाइस, ये थी टोटल कॉस्ट मेरे इस ट्रिप की जो अजरबैजान का मैंने प्लान किया था। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ, क्या नाम है, इजिप्ट के ट्रिप के लिए। उसकी भी कॉस्ट जितनी रहेगी, साथ साथ मैं एक्चुअली नोट कर लेता हूँ कि अगर मैंने कुछ स्पेंड किया है, टैक्सी पे इतना स्पेंड किया है, तो मैं नोट कर लेता हूँ कि यार टैक्सी में मैंने इतना स्पेंड किया, होटल में मैंने इतना स्पेंड किया, ताकि एट द एंड मुझे पता लगे कि टोटल कॉस्ट मेरी इस ट्रिप की कितनी आई है और मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ऑलराइट गाइस, ये टोटल मेरा एक्सपीरियंस और कॉस्ट रही इस ट्रिप की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वेल, कोई भी क्वेश्चन है अजरबैजान के रिलेटेड या फिर किसी और कंट्री के रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।